कहते हैं जीव जंतु हमेशा प्यार के भूखे होते हैं। आपका प्यार उन्हें पालतू बना देता है। वो कहानी तो आपको याद ही होगी जब कपिल वस्तु के राजकुमार देवदत्त के वाण से घायल हंस के राजकुमार सिद्धांत द्वारा बचाने के बाद उनके साथ चले जाते हैं। हालांकि अमेठी के गौरीगंज के मंडका गांव में ये कहानी हकीकत बन चुकी है। यहाँ साल भर पहले एक घायल सारस को बचाने वाले आरिफ से उस सारस की ऐसी दोस्ती हुई कि अब वो सारस उनके साथ घर में ही रहने लगा है। अगस्त 2022 में मंडका गांव के रहने वाले किसान आरिफ अपने खेतों में थे कि वहाँ पर उन्होंने एक सारस पक्षी देखा जिसका पैर टूटा हुआ था। नजदीक जाने पर सारस पक्षी भागा नहीं बल्कि दया की निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा, जिसके बाद आरिफ उसे उठाकर अपने घर लाए। आरिफ ने पक्षी की मरहम पट्टी की और इलाज करके उसे ठीक कर दिया। आरिफ और उनके परिजनों को उम्मीद थी कि सारस ठीक होने के बाद उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का ऐसा दिल मोहा कि उनके घर के पास ही रहने लगा। तब से लेकर अब तक आरिफ का परिवार ही सारस का परिवार बन गया है। सारस उस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। जहाँ जहाँ आरिफ जाते हैं सारस उनके साथ साथ जाता है। वो उनके साथ ही भोजन करता है, साथ ही रहता है। इतना ही नहीं, जब उन्हें बाजार भी जाना होता है तो वो अपनी बाइक से जाते हैं और जबकि सारस उड़ते हुए उनका साया बनकर साथ साथ चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।